पापा। क्या है बेटा? पापा आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? फिर जब ये 10th क्लास में फेल हुई थी ना, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। दादी। ए अनु, क्या कर रही हो तुम? एकदम चुप रहो, बड़ों के ऊपर हाथ उठाते हैं क्या? मुझे नहीं जाना। ठीक है, पहले तुम अंदर जाओ। आज तक उसकी सारी जिद मानी है ना तुमने, इसीलिए ऐसी हो गई है ये। वो जो चाहती उसे करने दीजिए ना माँ जी। अरे बाप रे, तू भी उसे सपोर्ट कर रही है? मुझे क्या करना है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अशोक सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है, मिल नहीं सकता है। हूं क्या? चलो जाओ जाओ जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम था। कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, ईयर एंडिंग है ना, अशोक वर्मा के पास से परमिशन लेके आओगे तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जाओ जाके कुछ करो। अरे जाओ। अनन्या आजकल पता नहीं अपनी ही दुनिया में रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, ठीक से खाना नहीं खाती है, पूछो तो कुछ नहीं बताती है। तुम एक बार उससे बात करो। तुम परेशान मत हो मां, मैं आती हूँ, ठीक है ना? बाय। अनु, अकेली रहकर बोर हो गई होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कंपनी लाई हूँ। मेरे देवर पवन को तो जानती हो ना, वेरी गुड पर्सन, अच्छा कमाता भी है, तेरे जीजा जी की तरह यूएस जाने वाला है। अगर तू हाँ कहेगी तो मैं उससे बात करती हूँ। ढूंढने से भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, और शादी के बाद तू अपने दीदी के साथ ही रहेगी तो हम भी सुकून से जी सकेंगे, दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो हमें शांति मिलेगी बेटा। मान लो अनु। मेरी प्यारी बच्ची, हाँ कह देना, तेरी शादी हो जाए फिर मैं भी तेरे दादा के पास चली जाऊंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है ना, मान जाओ बेटी। हाँ कर दो नानू, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, आपकी मर्जी। उस कानून बदलने से पहले उसकी शादी करवा दो, अगर उसने मना कर दिया तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्टेटस नहीं है, और तो और किसी का सपोर्ट भी नहीं है, और नंबर वन पोजीशन मेरी कारों की डीलरशिप के लिए डायरेक्टली मुझसे ही परमिशन मांगने आ गए। बताओगे क्यों? आज से ठीक 25 साल पहले एक आदमी बिना किसी बैकग्राउंड के मैकेनिकल सर्टिफिकेट लेके इस शहर में आया था। बिना किसी एक्सपीरियंस और बिना किसी सपोर्ट के वो धीरे धीरे आज उस कंपनी का MD बन गया।
बस उन्हें ही अपना आदर्श मानता हूँ। गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने आके खड़े हो। यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे ले जाएगा। युद्ध को ऐसा ही होना चाहिए। मेरा सपोर्ट तुम्हें रहेगा। गो अहेड, मुहूर्त प्लान करो, मैं आके रिबन काटूंगा। थैंक यू सर, मैं चलता हूं। यस सर, आपने इतनी आसानी से इसे हाँ बोल दिया। 25 साल पीछे जाके मैंने अपने आप को देखा, ये मुझे बहुत पसंद आया। अरे ये यहाँ कैसे? चंदू, देख मुझे तो तेरा नाम भी पता है, अनन्या ने बताया। एक्चुअली तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदी कॉलेज में जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम कंडक्ट किया था ना, उसमें फर्स्ट टाइम अन्नू को देखा। देखते ही ना मुझे बहुत पसंद आई। पकड़ो इसे। ये कौन है जानती हो? जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, वही है। ऑर्गेनाइजर्स ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? पकड़ो इसे। हेलो, के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया, फिर उसी के कॉलेज जाने लगा। मैंने उसी के फ्रेंड्स को अपने ही फ्रेंड्स बना लिया, लेकिन अनु मुझे केवल फ्रेंड्स एक फ्रेंड ही समझती रही। मेरा ईगो हर्ट होता था, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने डेट फिक्स करके उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया। पता है उसने मुझसे क्या बोला? बस मेरे साथ डेट पर चलो। कार्तिक, ऐसे फ्रेंड तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आऊँगी, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम मुझे डेट पर बुला रहे हो, तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। मैं पहले ही एक लड़के से प्यार करती हूँ, और वो कोई और नहीं, मुझे जो रोज कॉलेज ड्रॉप करने आता है वही है। अभी तुझे जितना शौक लगा ना, उससे ज्यादा मुझे लगा था। शिट, सहन नहीं हो रहा था मुझसे। बस फिर मैं सिटी छोड़ के चला गया। फ्रस्ट्रेशन में पूरी दुनिया घूमी मैं। चंदू, मल्टी मिलियनेयर अशोक वर्मा मेरे पिताजी हैं। मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हूँ, फिर भी अन्नू तुझसे क्यों प्यार करती है? ये बात मैं समझ ही नहीं पाया। फाइनली आई गॉट माय आंसर। और वो पता है क्या है? काश मैं तेरे जैसा होता। हाँ चंदू, आज सोसाइटी में 100 में से 90 लोग, हम कैसे रहेंगे सामने वाला पसंद करेगा? हम कैसे बात करते हैं तो वो शाबाशी देगा? हम सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं वो ये देखता है। लेकिन कोई भी अपने हिसाब से नहीं जीता है। मुझे ही ले ले, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा करोड़ों का बंगला, मैंने सब कुछ, पूरी जायदाद छोड़ दी केवल अनु के लिए, उसे इंप्रेस करने के लिए। लेकिन पता है उसे सिर्फ तेरे जैसा ही चाहिए था। तेरी लाइफस्टाइल, तेरे जैसा एटीट्यूड, आइडेंटिटी, सब कुछ बस तेरे ही जैसा होना चाहिए। इसलिए अन्नू को तू पसंद आया है। अगर तू अन्नू को मिलेगा तब तुझे पता चलेगा कि मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। कॉमेडी लग रही है ना? हम रेगुलरली मिलते रहते थे, फिर भी उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया।